और भाई कैसे हो? अरे हे गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं XLM कॉइन के बारे में, जो कि इस वक्त चल रहा है 19.85 रुपीज़ पे। एक सडनली एक स्लाइड डाउन आया है इसमें, और देखिए अभी चल रहा है 19.85 रुपीज़ पे। वजीर एक्स पे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी जो क्या है, अगर हम जो ट्रेंड लाइंस को देखें XLM के, तो इसकी जो उम्मीद है वो लग रही है ऊपर जाने की। क्योंकि अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये इसका उठने वाला ट्रेंड बन रहा है, और जो नीचे जाने वाला ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से उम्मीद है कि XLM कॉइन जो है वो ऊपर जाने से, मतलब ऊपर जाने के पूरे पूरे इसके चांसेस हैं। तो देखिए अभी जैसे कि ये चल रहा है, देखा आपने 19.85 से वापस से 20 पे आ गया, ऊपर हो गया। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिए अभी यहाँ से तो इसके क्या चांसेस लग रहे हैं कि कैसे ये जाएगा, कि यहाँ थोड़ा सा ये यहीं पे रहेगा और उसके बाद ये अपना यहाँ से थोड़ा उछाल लेगा। तो गाइस, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जाने वाला होगा, मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँगा, क्योंकि मैं लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हूँ, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे देखिए ये इसका इवेंट आ रहा है, जो कि इतना कोई ऐसे बड़ा इवेंट नहीं है, इतना भयंकर इवेंट नहीं है। तो ज्वाइन अस ऑन थर्सडे 15 जुलाई एट 12 PM ET फॉर अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन है स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशंस वर्क इन Q2। तो ये इन्होंने अपने जो कि ट्विटर पे भी मेंशन किया है कि जिसके बारे में वो बताने वाले हैं, SDF के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XLM के बारे में इन्होंने ये बोला है कि 1 जुलाई को एक ये अच्छी अपडेट है, इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स ऑन स्टेलर। तो ये 1 जुलाई को ही इन्होंने न्यूज़ डाली है, और इस ट्वीट को इन्होंने पिन भी कर दिया, तो यानी ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो इस जो ये ऑटोमेशन मार्क कर रहे हैं अपने XLM पे, तो उसका रिजल्ट जो है, अभी 1 जुलाई को डाला है, अभी 5 जुलाई है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखना शुरू हो सकता है इसके प्राइस में, जो कि मेरा मानना है। देखिए वापस से नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए यहाँ से अभी ये यहाँ पे हल्का सा ऊपर नीचे करेगा, जैसा कि इससे उम्मीद है, राइट। और फिर यहाँ पे जब इसका ये जो ट्रेंड लाइन है ये नीचे वाली, इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, और यहाँ से जो अपने इस जो रेजिस्टेंस को है ये तोड़ के अपना सपोर्ट बना लेगा। तो अगर कोई अभी लेना चाहता है, जैसे कि अभी XLM का प्राइस चल रहा है 19.81, ठीक है। फिर जब हम अगले एक दो दिन में बात करेंगे कि किसने कितना प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लेना आप। 19.81 तो मैं इसको ले रहा हूँ, और अपना प्रॉफिट उठा के मैं इसको सेल कर दूँगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे, क्योंकि यहाँ से इसका फिर तब की तब देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो अभी के लिए मैं अपना प्रॉफिट उठा के इसको सेल कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पे अभी आपको मैं रैंक दिखा दूँ इसकी, तो रैंक 21 है, और इसका वॉल्यूम नीचे चल रहा है, पर धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे प्लस में आएगा। और XLM जो है अभी 19.81 चल रहा है, तो इससे आपको अच्छे खासा ऊपर देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।